हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी वर्ल्ड ऑफ आचल। सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड योर एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल आल्सो। सो इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट द चिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं चिक एम्ब्रियो के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको डायग्राम कैसे बनाएंगे चिक एम्ब्रियो का एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है, आपको डायग्राम जल्दी जल्दी बनाना होता है। तो बिकॉज के चिक एम्ब्रियो के जितने भी स्टेजेस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनके डायग्राम्स पहले अपलोड। इस वीडियो में मैं आपको 24 आवर एंड 46 आवर्स के जो चिक एम्ब्रियो होते हैं उनके डायग्राम बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 72 आवर्स वाले जो चिक एम्ब्रियो के डायग्राम हैं उनको बताऊंगी। देन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इन तीनों के डिफरेंसेस, बहुत ईजी होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सबको लगता है बट इट्स वेरी इजी, बिलीव मी, बहुत ईजी होता है, तो फिर वो मैं आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी। ओके तो सबसे पहले हम लोग 24 आवर्स के चिक एम्ब्रियो के लिए डायग्राम जो बनाएंगे उसकी मैं वीडियो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे ये डायग्राम बनाया है। आप एक बार देख लो, उसके बाद से मैं वादा करती हूँ आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि कितनी इजी तरीके से आप एग्जाम में कितना जल्दी जल्दी डायग्राम बना सकते हो। ओके, ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 48 आवर चिक एम्ब्रियो, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर ही आपको एक डिफरेंस बता दे रही हूँ कि चिक एम्ब्रियो जब 24 आवर में होता है तो उसमें 4 पेयर ऑफ सोमाइट्स पाए जाते हैं, और चिक एम्ब्रियो जब 48 आवर्स में होता है तो उसमें 28 पेयर ऑफ सोमाइट पाए जाते हैं। ओके, और भी कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज हैं, तो अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, और इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि 72 आवर्स के चिक एम्ब्रियो आप कितनी जल्दी कितनी आसानी से अपने एग्जाम में बना सकते हो। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।